हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं आपके पास आपकी फेवरेट रीडिंग फिर से लेके आया हूँ, और वो रीडिंग है उनकी आज की करंट फीलिंग। तो आज उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आज क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, जो पर्सन आपके हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं या आपसे दूर हैं किसी वजह से, तो उनकी क्या थॉट्स हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, कैसे हैं, क्या है, कैसा वो महसूस करें, ये सारी चीज़ें होंगी कार्ड के द्वारा मैं बताऊंगा आपको। और ये रीडिंग देखने के बाद जो 24 घंटे शुरू होंगे वो पूरे एक दिन की ये रीडिंग है। सो ये पूरे आपको अगर रेजोनेट करना होगा तो पूरे एक दिन में रेजोनेट करेगी ये, अदरवाइज़ जो रेजोनेट ना करेगी वो जाने दें। मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स सबकी सबके लिए है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, क्या एनर्जी है राइट नाउ। एम्परर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ दो एनर्जीज निकल के आई है, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उनके लिए उनके पर्सन की एनर्जी भी अलग अलग तरह की आई है। सो यहाँ पे कुछ पर्सन की जो एनर्जी है, आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी जो है वो पावरफुल है और मैच्योर एनर्जी है। एंड यहाँ पे कुछ लोग जो है आप लोग उनके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है एंड फोकस्ड है, बट थोड़ी सी यहाँ पे इमेच्योरिटी है। अदरवाइज दोनों तरह के जो पर्सन हैं, यानी आप जितने भी तरह के पर्सन हैं उन सब के जो पर्सन होंगे जिनसे आपका आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी अच्छी है, बट एक यहाँ पे बता रहा है एक एनर्जी यहाँ पे थोड़ी इमेच्योर है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं सिर्फ एनर्जीज देख रहा था, करियर नहीं देख रहा था या किस हाल में वो नहीं देख रहा था, बस उनकी एनर्जी देख रहा था। सो लेट्स ही देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, या आज क्या सोच रहे हैं, अब भी क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स बिगिन विद माई कार्ड्स। पहला कार्ड है 7 of Swords। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी और क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत अच्छी एनर्जी जा रही है। 10 of Swords। तो यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ज्यादा लग रही है, कप्स की भी एनर्जी है एंड पेंटिकल्स की एनर्जीज तो है ही यहाँ पे। एंड सो फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है, आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन जो आप जितने भी लोग हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पर्सन अभी जो आपके लिए फीलिंग्स उनकी है वो बहुत ही अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को थोड़ा सा, उनको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। हो सकता है कि आपने कुछ बातें अपने पर्सन से छुपाई होंगी, जिसके वजह से आप में के कुछ लोग पर्सन जो इतने भी लोग हैं उसमें से कुछ पर्सन के जो लवर हैं आपसे दूर गए होंगे, आप लोग में लड़ाइयाँ हुई और ऐसे किसी मुद्दे पे आप लोग दूर गए हैं जहाँ पे आपको भी लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है और उनको भी लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ पे एक धोखे की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की या पर्सन की, जो अभी अपने आप को थोड़ा सा छला हुआ महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनका कुछ ऐसा धोखा उनके साथ हुआ है जिससे आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं, और वो अभी नो कांटेक्ट में बने हुए हैं और करंट फीलिंग उनकी धोखे वाली ही है। सो यहाँ तो कुछ पर्सन्स अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे है सेकंड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ पर्सन्स जो आपसे दूर गए थे, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे दूर चले गए थे, हो सकता है किसी काम की तलाश में, या उन्होंने आपसे कहा था कि
ये रिलेशन अभी चल नहीं सकता क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, और उनके पास ऐसा कुछ स्टेटस नहीं है जिसके कारण अभी वो आपसे ना तो शादी कर सकते हैं ना रिलेशन आगे ले जाना चाहते हैं। संबंध तो उन्होंने बना लिए थे आपके साथ, बट उसको निभाने से पहले चाहते थे कि उनके पास अबंडेंस आ जाए, कोई जॉब आ जाए, कोई अच्छा बिजनेस एक्सपेंशन हो जाए, पैसे आ जाए, स्टेटस सिंबल हो जाए। तो अब उनके पास ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके आ चुकी हैं या आ रही हैं या आने वाली हैं। तो इस समय उनकी फीलिंग्स अब ये धीरे धीरे अब उनको लगने लगा है कि मेरे पास पैसा तो आ गया, जॉब भी आ गई है, अबंडेंस आ गया है, सब कुछ जो उन्होंने सोचा था धीरे धीरे करके आ रहा है, बट कहीं ना कहीं उनके मन में खालीपन है, आपके बिना खालीपन है, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हैं बट प्यार नहीं है। तो अब वो थोड़ा सा अपने आप को खालीपन महसूस कर रहे हैं, अब उनकी लव लाइफ खाली है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो अभी थर्ड पार्टी में है, खाली है, और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे एक कार्ड फीलिंग्स की निकल के आई, पेज ऑफ कप्स। तो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपके जो पर्सन है, आप में से कुछ लोग के जो पर्सन हैं वो अब रेडी हैं ये यहाँ पे एक प्यार भरी ऑफर के वाइब आ रहे हैं मुझे। आज उनका सोचना ये है, अब वो रेडी हो चुके हैं, आज उनके थॉट्स आपके बारे में ये है कि अब वो आपको प्यार का ऑफर जल्द देंगे। जो लोग रियूनियन में नहीं हैं तो रियूनियन दोबारा होगा आप लोग का, यूनियन में आ जाएंगे। क्योंकि ये कार्ड, ये जो रीडिंग है ये करंट फीलिंग्स की रीडिंग है, लेकिन अगर कुछ मूव हुआ, उनका नेक्स्ट मूव कुछ आया तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मुझे कुछ नेक्स्ट मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और एक ऑफर, लव ऑफर की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट वाले कुछ पर्सन का बात बन सकता है यहाँ पे, और लव ऑफर देंगे क्योंकि प्यार भरा हुआ है, और लव ऑफर के साथ आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में भी आज वो सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, मूवमेंट हो सकता है, लेट्स सी। एंड यहाँ पे तो साफ लग रहा है कि आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पर्सन जस्ट, मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं करंट फीलिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मूवमेंट का कार्ड आ गया पूरी तरह से। वो देना चाह रहे हैं और बहुत फास्ट देना चाह रहे हैं आपको मूव मूव नेक्स्ट मूव अपना, और नेक्स्ट एक्शन देना चाह रहे हैं आपको, जल्द से जल्द प्यार का ऑफर देना चाह रहे हैं, आपके पास पहुंचना चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन डायरेक्ट अपेयर होना चाह रहे हैं आपके पास, एंड मुझे लगता है कि कुछ घंटों में आप में से कुछ पर्सन्स के कुछ घंटों में मतलब उनके मूवमेंट के समाचार आ जाएंगे, कुछ न्यूज़ मैसेजेस आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट लाइन में लिखिएगा, बताइएगा, एंड मुझे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं क्योंकि अभी जो उनको करंट फीलिंग आज की है, नेक्स्ट 24 घंटे की भी है, तो यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। सो बहुत अच्छा मूवमेंट है, कुछ के लव ऑफर और कुछ के मैसेजेस आ सकते हैं, डायरेक्ट भी अपेयर हो सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं या आ सकते हैं। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पाई है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन बहुत पेन में हैं क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में तो ऑलरेडी नोट कॉन्टैक्ट में तो है ही, और बहुत दुख में है आपके लिए। अभी वो इतने पेन में है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे आपके साथ कांटेक्ट किया जाए। मुझे लगता है कि वो थोड़े बीमार भी हैं, थोड़े उनको मेंटली प्रॉब्लम हो चुका है, मेंटली वो बहुत ही डिजास्टर मूड में है आपके बिना, और वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं और बहुत ही दुखी हैं। आज की जो उनकी करंट फीलिंग है, आप में से काफ़ी सारे लोग के पर्सन बहुत पेन में हैं अभी, कुछ लोग तो बीमार भी हैं, कुछ लोग को मेंटली डिजास्टर भी हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, और कुछ लोग तो इतने पेन में हैं कि वो बता भी नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ चल रही है, उनकी लाइफ में सब कुछ है, पैसा प्रॉपर्टी, बट प्यार नहीं है आपका। तो यहाँ पे बहुत दुखी हैं, और ऐसा दुखी हैं कि वो तो रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं आपको। तो मुझे तो यहाँ से कोई एक्शन होता हुआ नज़र, मूवमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एंड लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन को कुछ घंटों में या नेक्स्ट 24 घंटों में मुझे लगता है कि मैसेज आ रहे हैं और आएंगे,
लेट्स सी, देखते हैं कि क्या एंजल्स मैसेज में कुछ अगर टाइम ही निकल के आता है कि क्या वो आज रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है, तो वहाँ से कुछ पता चल सकता है। टेक एक्शन का एक कार्ड आया है, सो लेट्स सी एक और कार्ड लेते हैं, लेट्स सी रिकॉन्सिडर। तो यहाँ पे मैंने दो कार्ड लिए हैं मोमेंट के लिए, क्योंकि करंट फीलिंग है तो मुझे लगता है कि मोमेंट के कार्ड भी निकलने चाहिए। देखिए कुछ पर्सन जो हैं रिकंसिडर कर रहे हैं आपस में, वो भी सोच रहे हैं कि रीथिंक कर रहे हैं कि आज मैसेज किया जाए या नहीं किया जाए नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो सीरियसली वो सोच रहे हैं, हो सकता है कि मैसेज कर दें। और कुछ लोग टेक एक्शन, जैसा कि मैंने बोला था कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं उनके जो पर्सन हैं, मुझे लगता है कि कुछ घंटों या 24 घंटों में उनका कॉल मैसेज या कोई वाइव आ सकता है, तो टेक एक्शन ले सकते हैं। एंड आज की रीडिंग मुझे करंट फीलिंग्स की बहुत ही पॉजिटिव लगी। हाँ कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल है, आज तो मैसेज नहीं आ सकता है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। सो मैं ये रीडिंग बार बार आपके पास लेके आता रहूँगा। सो मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए नए रीडिंग के लिए, नए टॉपिक्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओम नमः शिवाय।